नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट को ग्रुप्स पर लगाने वाले। लाइक हमारे पास 5 बॉयज 6 गर्ल्स का ग्रुप है या कोई भी इस तरीके का ग्रुप है और हम कैसे उस पर सर्कुलर अरेंजमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। उसके अलावा ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम आते हैं। कॉग्निजेंट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 60 सेकंड्स का टाइम था। क्या बोल रहे हैं, 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ बैठे हैं सर्कुलर फैशन में एंड ऑल गर्ल्स वॉन्ट टू सिट टूगेदर। सारी लड़कियों को एक साथ बैठना है। दोस्तों अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक सर्कल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमारे पास 6 बॉयज हैं एंड 7 गर्ल्स हैं। दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 7 गर्ल्स को, लेट्स हमारे पास G1, G2, G3 अप टिल G7 गर्ल्स हैं। इन 7 गर्ल्स को एक साथ बैठना है तो मैं इसको क्या 7 गर्ल्स ना कंसिडर करके एक यूनिट कंसिडर कर रहा हूँ। दोस्तों अब हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हैं, 6 बॉयज हैं प्लस एक यूनिट है दोस्तों, राइट। 6 बॉयज एंड एक यूनिट है हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 7 आइटम्स हैं दोस्तों। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि अगर हमारे पास n आइटम्स हैं और उनको सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है तो n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं। तो 7 आइटम्स को सर्कुलर फैशन में अरेंज करने कितने तरीके हो गए दोस्तों, 6 फैक्टोरियल वेज हो गए, राइट। तो अभी तो हमने क्या कर दिया अरेंज, लेट से मैंने बॉयज को यहाँ पे अरेंज कर दिया, राइट। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी सारी गर्ल्स आ गई एक साथ, 4, 5, 6, 7 गर्ल्स यहाँ पर मेरी आ गई दोस्तों। अब ये 7 गर्ल्स G1 से लेके G7 तक आपस में अपने आप को अरेंज कर सकती हैं दोस्तों, आपस में गर्ल्स अपने आप को अरेंज कर सकती कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल वेज में। तो हम 6 फैक्टोरियल में यहाँ पे दोस्तों 7 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो पहले गर्ल्स को एक यूनिट कंसिडर किया हमने, पूरे यूनिट्स को अरेंज किया, 6 बॉयज और एक यूनिट, 7 आइटम्स को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया और 7 गर्ल्स आपस में भी अरेंज कर सकती हैं अपने आप को 7 फैक्टोरियल वेज में, हमने उनको अरेंज कर दिया दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हम इसी पैटर्न पे और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आईटी कंपनीज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप क्या बोल रहे हैं, 6 बॉयज 7 गर्ल्स हैं सर्कुलर फैशन में बैठी हुई है एंड 2 गर्ल्स वॉन्ट टू सिट टुगेदर, कोई पर्टिकुलर 2 लड़कियां उनको एक साथ बैठना है दोस्तों। तो अगर अब मैं ये बात बोलूं दोस्तों कि हमारे पास लेट से G1, G2 2 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको एक साथ बैठना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, G1, G2 को क्या मान ले रहा हूँ दोस्तों, एक यूनिट मान ले रहा हूँ, राइट। इनको एक यूनिट मान ले रहा हूँ जैसे मैंने पहले किया था। तब हमारे पास कितनी यूनिट्स हो गए दोस्तों, 6 बॉयज हो गए, 7 गर्ल्स में से G1, G2 को हटा दें दोस्तों तो 5 गर्ल्स हो गई और G1, G2 अपने आप में एक यूनिट हो गई, राइट। आप समझ पा रहे हैं 5 गर्ल्स क्यों लिया, बिकॉज इनको हमने हटा करके एक यूनिट मान लिया। अब कितनी यूनिट्स हमारे पास, 6, 5, 11 और एक 12, टोटल हमारे पास 12 आइटम्स है दोस्तों। इनको सर्कुलर फैशन में अरेंज करने कितने तरीके हो गए, 11 फैक्टोरियल वेज हो गए। अब ये सर्कल है दोस्तों, अब G1, G2 अगर एक अरेंजमेंट ये है दोस्तों तो दूसरे अरेंजमेंट में G1 ऊपर है G2 नीचे है, दूसरे अरेंजमेंट में G2 ऊपर G1 नीचे हो सकती है दोस्तों। यानी G1 एंड G2 आपस में अपने आप को 2 तरीके में अरेंज कर सकती हैं, राइट। जैसे पिछले केस में हमने 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 या 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा केस था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अब 6 लड़के 7 लड़कियां हैं अगेन हमारे पास सर्कुलर फैशन में, उनको बिठाना है एंड नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर, यानी कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए दोस्तों। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 6 लड़कों को बिठा दिया, लेट से यहाँ पे मैंने B1 बिठा दिया, B2 बिठा दिया अपना, B3 को बिठा दिया दोस्तों, B4 को बिठा दिया, B5 को बिठा दिया एंड B6 को बिठा दिया। अब मैंने दोस्तों 6 लड़कों को बिठा दिया, राइट। अब 6 लड़कों को बिठा दिया, अभी एक मिनट के लिए आप सर्कुलर फैशन छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ मैंने लीनियर में 6 लड़कों को बिठा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लीनियर फैशन में 6 लड़कों को बिठा दिया, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, राइट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको भी पता चलेगा। अब इनके बीच में लड़कियों को बिठाना है बिकॉज लड़कियों को हमको एक साथ नहीं बिठाना, तो अगर लड़कियों के बीच में हम लड़के फिट कर देंगे तो लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकेंगी दोस्तों। अब हमारे पास 7 प्लेसेस है जहाँ पे लड़कियां बैठ सकती हैं दोस्तों, तो उन 7 प्लेसेस में लड़कियों को अरेंज कर देंगे। तो बॉयज को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पा रहे थे, गर्ल्स को 7 फैक्टोरियल, तो ये हमारा लीनियर केस में आंसर हो जाता है। लेकिन अब सर्कुलर के केस में पूछा है दोस्तों, तो अब हमारे पास कितनी स्पेस बची है यहाँ पे, 1, 2, 3,
फोर फाइव एंड सिक्स ही स्पेस है सर्कुलर के केस में, लीनियर के केस में सात स्पेस थी तो सात लड़कियों को हम बिठा पा रहे थे, बट सर्कुलर के केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास केवल छह ही स्पेस है जहां पे हम लड़कियों को बिठा सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है केवल इनमें हम लड़कियों को बिठा सकते हैं। तो छह स्पेस में सात लड़कियों को आप कैसे बिठा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो नॉट पॉसिबल आंसर, या तो फिर अगर जीरो ऑप्शन में है तो आप जीरो को टिक करके आइएगा दोस्तों, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोग यहाँ गड़बड़ करके आते हैं दोस्तों। एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नॉलेज गेट पे डेली रात में 8 बजे दोस्तों प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियोस आ रही हैं। एप्टीट्यूड से हमने शुरू किया, आगे चल के हम लॉजिकल रीजनिंग, सी प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत कुछ कराने वाले हैं दोस्तों। तो इस लॉकडाउन पीरियड का आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें इस पीरियड को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे डेली रात में 8 बजे आप वीडियोस हमारी गेन कर सकें दोस्तों। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब वही है दोस्तों, छह लड़के सात लड़कियां अभी भी हमारे पास है। अब नो टू बॉयज आर सीटेड टुगेदर, तो भैया कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं, तो पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, सर्कुलर फैशन में लड़कियों को अरेंज कर दूंगा, राइट। तो मैंने G1 ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे G2 ले लिया, यहाँ G3 ले लिया, यहाँ पे G4 ले लिया, यहाँ पे G5 ले लिया, यहाँ पे मैंने G6 ले लिया एंड G7, सात लड़कियों को बिठा दिया दोस्तों। अब मेरे पास कितनी स्पेस है, पहली स्पेस, दूसरी स्पेस, तीसरी स्पेस, चौथी स्पेस, पांचवी स्पेस, छठी स्पेस एंड सातवीं स्पेस है, और छह लड़कों को बिठाना है तो मैं आराम से बिठा सकता हूँ। तो पहले दोस्तों मैंने सात लड़कियों को अरेंज किया, तो कितने तरीके से अरेंज हो गई सात लड़की सर्कल में, 6 factorial ways में। अब बॉयज को अरेंज करने के लिए दोस्तों हमारे पास 7 places हैं, तो 7 में से मैं कोई भी 6 place चुन करके लड़के, क्योंकि 6 हैं और 6 factorial ways में बॉयज को अरेंज कर दूंगा। तो आपको अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि सर बिल्कुल हमें समझ में आ रही है। तो 6 लड़कियों को 7 लड़कियों को मैंने सर्कुलर फैशन में अरेंज किया 6 factorial ways में, राइट। अब लड़कियों को सर्कुलर फैशन में अरेंज कर दिया, सात स्पेसेस थी, सात में से 6 स्पेस चुन करके 6 factorial ways में हमने बॉयज को अरेंज कर दिया। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख सकते हो कि जब भी ग्रुपिंग वाला केस आए तो जो पहला ग्रुप हम अप्लाई करेंगे, पहला ग्रुप गर्ल्स का था तो पहला ग्रुप हमको सर्कुलर मान करके सॉल्व करना है। तो सर्कुलर मान करके हमने सॉल्व किया तो 6 factorial आ गया, बट एक बार आपने सर्कुलर मान करके अरेंज कर दिया उसके बाद फिर आप लीनियर वाले ही फंडे लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं, यहाँ पे 6 factorial 5 factorial मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमको नहीं करना है। यहाँ पे हम n फैक्टोरियल ही लिखेंगे, n-1 factorial नहीं लिखना है दोस्तों। तो 6 लड़के थे इसलिए 6 factorial लिखा, क्योंकि सर्कुलर में एक बार आपने सर्कल आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर मोर और लेस आप लीनियर फैशन ही अप्लाई करते हो दोस्तों। तो इसके पीछे क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ भी हम इसका समझेंगे आगे वाली वीडियोस में, तो फिलहाल आप इस चीज को याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। TCS में आया था दोस्तों 2011 में, 7 लड़के 7 लड़कियां सर्कुलर में बिठालना है, अल्टरनेटिवली बिठालना है, मतलब लड़कों के बीच में लड़कियां, लड़कियों के बीच में लड़के। तो पहले मैं कुछ भी ले ले रहा हूँ, लेडीज फर्स्ट होता है, तो पहले मैंने गर्ल्स ले ली, तो G1 G2 G3 G4 G5 G6 एंड G7, राइट। G6 एंड G7 हमने दोस्तों गर्ल्स ले ली। अब पहले गर्ल्स को अरेंज किया, तो सबसे पहले हम सर्कल मान के करेंगे, तो 7 गर्ल्स हैं तो 6 factorial ways में अरेंज हो जाएंगे। अब एक बार आपने सर्कल आइडेंटिफाई कर लिया तो अब दोस्तों लीनियर मान करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने। अब 7 बॉयज हैं दोस्तों, 7 spaces हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 spaces हैं यहाँ पे दोस्तों। 7 spaces में 7 बॉयज को आप कितने तरीके से बिठा सकते हो, 7 factorial ways में बिठा सकते हो दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे, पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़े थे सर्कुलर अरेंजमेंट के, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रूफ पढ़ा था कि अगर एन आइटम्स हैं तो n-1 factorial हम क्यों लिखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, जबकि लीनियर अरेंजमेंट में तो हम n factorial लिखते थे। तो बहुत बढ़िया प्रूफ मैंने समझाया, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों। उसके अलावा अब मैं जो सरप्राइज की बात कर रहा था दोस्तों, बहुत लोगों को क्विजेस में डाउट्स आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में रेगुलरली पढ़ रहा हूँ क्विज के, आप गलत आंसर्स दे रहे हो, बहुत लोगों को डाउट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, डिस्कशन फोरम क्रिएट किया है, वहाँ पे आप अपने सारे क्विजेस के डाउट्स, प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी जनरल डाउट्स हैं वो आप बिंदास होकर के पूछ सकते हैं। तो हमारी टीम में से कोई या स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और मैं खुद पर्सनली भी कुछ आंसर्स का आपका, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो ये हमारी आईडी है knowledge_gate_forum, तो आप इस पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल सकती है दोस्तों, तो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ग्रुप पे जा सकते हो, राइट। और उसके अलावा दोस्तों जो प्लेसमेंट की हम सीरीज चला रहे हैं,
तो जो भी जनरल वीडियोस हैं और उसके अलावा जो भी टॉपिक वीडियोस हैं लाइक टाइम एंड वर्क एवरेज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उन सबकी प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज दोस्तों, क्विज 16 आपकी स्क्रीन पर ये है। हर वीडियो के एंड में हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्विज को सॉल्व कीजिए और क्विज के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों क्विज 15 के आंसर्स भी दिख रहे हैं। क्विज 15 के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को रेफर करना पड़ेगा, तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा अभी तक आपको सीरीज पसंद आ रही है, कैसी लग रही है, अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए थोड़ा सा समय। धन्यवाद।